तो गाइस, जब आप अपने मन में कुछ वादा करते हैं तब उस वादे को पूरा करने में अलग खुशी मिलती है, ऐसी खुशी जो बोलकर बयान नहीं की जा सकती। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कफलोक का रहने वाला हूँ। गाइस, बचपन से अपने आसपास के पहाड़ों को देखकर बड़ा हुआ हूँ। मैं जिन पहाड़ों को देखकर बड़ा हूँ, ना जाने उन पर आरोहण की इच्छा जाग उठी। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के टिहरी जिले में बसा पीड़ी पर्वत की, जो कि अभी काफ़ी लोगों की आंखों से दूर है। रास्तों में नेक्स्ट लेवल के एडवेंचर देखने को मिलेगा, तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी। सो हे गाइस, क्या हाल, होप सो बढ़िया। जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चाचा और चले गए आगे और अभी टाइम हो रहा है 4:06, तो जल्दी जल्दी पहुँचा, दूर का सफ़र है तो निकल रहे हैं। ये वीडियो कैंपिंग की, ठीक है, तो मिलते हैं अभी आगे, पहले उन्हें पकड़ना है जल्दी। तो जी, घर से मैं आ गया हूँ भाई, देख रहे हो हाथ खाली है, ये साथ में भी जाली पकड़ रखी है मैंने, चाचा और आगे चले गए। तो जी, यहाँ पहुँच गया, ये मिल गया देबू और चाचू और आगे चले गए। भाई साहब, बैग इतना भारी, वही होता ना, घर में पैक सामान पैक करते रहो, जब ले जाने की बारी आती ना तब दमखम निकल जाता है। एक हाथ तो खाली चाहिए होता है कैमरा पकड़ने के लिए, अभी साथ में स्लीपिंग बैग भी आ गया। चाचू और के बस का तो है नहीं सामान ले जाना, तो हमको देखना है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं मांगपाणी में हूँ, जो बंदे यहाँ के लोकल हैं उन्हें पता है मांगपाणी खाएँ, तो निकलते हैं मैं यहाँ से। काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ देखो गांव के बकरियाँ, और सिंगल बंदा आता है चराने के लिए बकरे को। कुछ नीचे है, हाँ दादा बाहर चलो ना। अच्छा, तो ये है पहाड़ों का डेडिकेशन, इतना कुछ अभी बज रहे हैं, 5 बजने वाले अब, तो देखो अभी तक यहाँ बकरी चरा रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पे पहुँच गया हम, अब गधेरा वाला रास्ता शुरू है, सबसे टफेस्ट रास्ता मुझे जो लगता है, यहाँ जाना सीधा, फिर ऐसे 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 में जाना है। तो चाचू लोग अभी आ रहे हैं नीचे से, मैं तो यहाँ पर रेस्ट करता हूँ। तो जी, अभी हम यहाँ पर रुके हैं और सामान यहीं पर रखना है, और इस साइड जाना हमने पानी के लिए, ये वाली साइड हमें रात में सामान, इस साइड तो लाइट वगैरह सब ले जा रहे हैं, क्योंकि अंदर हम जा रहे हैं गुफा के अंदर और वहाँ एकदम अंधेरा, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो जी, ये निकल पड़े हम पानी भरने। तो ये देखो, ये गुफा है और इसके अंदर जाना हमने। अब जा रहे हैं अंदर गुफा के अंदर। सोलो कोई हुई तो बस हर बार जब वो करना है जब तो कुछ नहीं तो जी ये देखो, ये चल रहे हैं गुफा के अंदर।
पूरे भाई यार सुन वही तो हाँ ये पेड़ की जड़। तो जी इतने अंदर आ रखे हम ये पानी भरने, ये देखो बहुत ठंडा पानी है भाई, इतने अंदर आ रखे हम इस पानी को भरने के लिए। ये है पानी बड़ा गजब, और कुछ सीन ही है देखो यहाँ पे ऊपर से टप 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 पड़ा पानी गिर रहा है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम है बहुत ज़्यादा। तो पहले हमें पानी भरते हैं फिर आपसे डायरेक्ट बाहर मिलते हैं। मैं थोड़ा आगे आ गया पानी की खोज करने। यहाँ है पानी इधर, काफ़ी ज़्यादा पानी है ये इधर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ तो भाई अंदर बहुत है। हाय ये रहा पानी, इस पानी को भरेंगे। आ जाओ वो देखो कैसे आ रहे हो भाई बंदे, देख रहे हो बैठ बैठ के। ये पानी भर जाएगा इतना। चल आ जा आ जा, वो नहीं आ रहे। इस पानी को भरते हैं, देख रहे हो यहाँ गुफा का एंड हो रहा है इधर। इस पानी को भरते हैं, काफ़ी साफ पानी है, नीचे मिट्टी है ऊपर साफ पानी है। तो पहले पानी भरते हैं फिर मिलते हैं, वहाँ भी नहीं हो रहा था इतना गुजारा। तो गाइस पानी भर दिया, अब बाहर चलते हैं यहाँ से भयंकर। ऊपर देखा तुमने कैसे ये चांदी जैसा चमक रहा है, ये ऊपर क्या है ऊपर? हाँ ये पूरी गुफा देखो अंदर तक है, देख रहा हूँ ये पूरी गुफा है भयंकर। तो देखो ऐसी गुफा ही है, पानी भर लिया हमने तो अब चल रहे हैं आगे। वो आगे चलेगा भाई साहब, कैसे चले यार। चमकादड़ भी आया तो जी ये पहुंच गया बाहर बेटे। ये बोतलें पकड़ जरा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पहुंच गया मैं गुफा से बाहर आ गए भयंकर। हाथ एकदम काले हो गए, अंदर एकदम काली मिट्टी थी, लगभग लगभग 100 या 110-120 मीटर थी अंदर गुफा। ये गुफा मजा आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ठीक है। तो चलो चलते हैं हम जल्दी जल्दी। तो जी यहाँ पे पहुंच गए हम जहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, अब सामान उठाना है और ऊपर जाना हमें, जगह का नाम है टूपली। तो वहाँ चलते हैं, आप सीधा वहीं मिलेंगे। तो जी पहुँच गए हम लोकेशन वाली जगह पे और यहाँ पे अपना कैंप लग रहा है। अंधेरे में कुछ दिखना तो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। तो जी अपना टेंट लग गया और मैट के अंदर बिछा दिया हमने, और चाचा वहाँ पे आग जला रहे हैं। और देखो अंधेरे में कुछ दिखी ना, वो देखो नीचे इस साइड को। तो मिलता भी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अपनी आग भी जल गई है और वहाँ पे चाचू और खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी ये देखो हम लाए थे घर से चिकन पीस करके, और ये अभी मैरिनेट करने के लिए रखा है यहाँ पे, मतलब मसाला वगैरह सब पड़ गया इसमें, गार्लिक पेस्ट मीट मसाला और ये जो पहाड़ी नमक होता ना ये चीज़ जिससे स्वाद आता है। तो अभी यहाँ पे मैरिनेट होगा, 5-10 मिनट रखेंगे इस पर फिर उसके बाद। तो जब भी हम ना कैंपिंग करने ऐसे ग्रुप में आते हैं ना तो शेफ चाचा ही रहते हैं, मतलब खाने पीने का
सब कुछ यही देखते हैं। और आज हमारे साथ में मैं भाई आशा भाई को भी लाया अपने साथ में। तो भाई साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ट्रैकिंग करके कैसा लगा? मैं तो यार सब महसूस कर रहा हूँ, यही मैं कहीं आश्रम बनाऊँ अपना। मैं तो भाई ऐसे ना एक छानी बनाते हैं और ऐसा काम करें कभी कभी, जैसे मैं आ गया ना यहाँ पे और यही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मजा आ रहा है, जंगल मेरे ना बहुत पसंद है। अच्छा, नेचर लवर। अब तो यहाँ पे तो वैसे थकान तो बहुत लगी होगी भाई साहब। थकान बहुत बहुत तो लगी होगी। वेट तो ठीक ठाक था और ऊपर से वेट भी था। बहुत भोजन था हमारे पास। चढ़ाई कितने हो, लेकिन वेट तोड़ देता ना दम कम। दम टूट रहा था उसमें तो। प्याज कट रहा है, ये टमाटर की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे सिस्टम हो रहा है कि ये मिट्टी इस कुकर पे लगाई जाएगी, यहाँ पे ताकि ये काले ना हो कुकर, नहीं तो इसका एकदम भूत बन जाएगा इस कुकर का। तो इसमें पानी डाल के फिर इसमें लगाएंगे लेप करके। इस हिसाब से धोने में भी आसानी हो इसकी। ये अलगम ने खड़ा मसाला मैं डालेंगे हम। तो जी ये पड़ गया हमारा चिकन इसमें मस्त ढंग से। इसे हम प्याज के साथ ही भूनेंगे मसाला वगैरह के साथ, और बाद में टमाटर पड़ेंगे इसमें। तो ये देखो इस दही के डब्बे में हमने मैरिनेट जो चिकन कर रखा था ना उसका मसाला अब इसमें डाल रहे हैं, टेस्ट और अच्छा होगा। तो ये हो गया हमारी सिकड़ी तैयार गरम करने के लिए। और ये चिकन जो मैरिनेट करने के लिए रखा था ये जाएगा इसमें। गरम हो गया, चस आवाज आने दे। टेस्ट करा। तो ये देखो ये रेडी हो गए बंजारा कबाब। अच्छा लाजवाब है भाई, बहुत बढ़िया भाई, ज्यादा पूरी मैं तो कर लूंगा। तो एक बार टेस्ट करते हैं। एंड गाइस चेक आउट दिस बंजारा कबाब इज रेडी। एक पीस खा लो भाई। स्वाद जी, मजा नहीं आ रहा। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम मजा आ गया। अंधेरे में बहुत टेस्टी शानदार। पहली बार खा रहा हूँ जिंदगी में। और यहाँ पे वो भी जंगल में। तो भाई नमक भी सब ठीक है, ओके, कोई दिक्कत खाने में? बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। और ये बिल्कुल चिकन भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसा काम करो इस चिकन को भी हटा दो। अच्छा, तो ये हमारा खाना सर्व हो रहा है और चावल थोड़ा गीले हो गए। गीले नहीं हुए, ज्यादा गीले नहीं। सही है, सही है, बहुत अच्छा बना है। तो ये देखो ये आ गया हमारा चिकन भी, ग्रेवीदार। ग्रेवी वाला बनेगा ना चावल के लिए? हाँ, चावल के लिए तो ग्रेवी वाला बनेगा। तो सबसे पहले ऐसा काम करो कि तुम्हें क्या डालना, पहले मैं अपने आप को डालता हूँ। भूख लग गई। चिकन शानदार बन रहा है वैसे, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हमारा खाना सर्व जब तक हो रहा है, भूख भी लग गई, तो अब खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको, ठीक है।
तो जी खाना पीना खा के मस्त ढंग से अब चलते हैं हम अंदर सोने। अंधेरा अंधेरा हो गया अब तो यहाँ। तो ये देखो ये अपना कैंप है, यहाँ पे दिख रहा है नीला नीला, तो ये कैंप है। अब अंदर चलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। अभी लाइक गुड नाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और 7:30 हो रहे तो बाहर एकदम कोरा ही कोरा लगा पड़ा। वो देखो देख रहे हो, सामान मैंने बाहर छोड़ा था, सारे गिल्ले गिल्ले हो गए, ओस से पड़ रखी है भयंकर। तो अभी कोरा लगा पड़ा है तो नज़ारा तो दिख पाएगा नहीं, थोड़ी देर में देखेंगे आपको नज़ारा। तो जी मैं थोड़ा यहाँ का कोरा साफ होने का वेट कर रहा था, लेकिन कोरा साफ होने रहा, धूप आ गई, ऊपर से आसमान साफ है, कोरा लगा पड़ा है। देखो इधर 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 आगे तो व्यू दिख नहीं रहा नीचे का कुछ। और मैं कैंप का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा है कैंप, किस जगह पर माए थे। अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो अभी थोड़ी देर बाद ऊपर जाना है, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ऊपर की तरफ पीढ़ी की तरफ जाना है। तो ये कुछ कैंप का सेटअप इस तरीके से, और यहाँ पे हमने आग जलाई थी, कुकर और दूसरा बर्तन वहीं पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से मैंने आग जला दी और अब बन रही है मैगी। प्याज टमाटर सब कट रखा है और मैगी बोरी रखी हुई वहाँ पे। तो पहले मैगी बनाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो अपनी मैगी तैयार है, सुबह सुबह बहुत भूख लगती है यार, तो खाते हैं अभी। पहले टेस्ट करते हैं यार। अभी तूने बनाया, स्वाद आ गया। मैं बनाने नहीं, जब ने आग जली रही है और ये कैंप का सिस्टम। सो गाइस हमने कैंप निकाल लिया और बैग पैक कर लिया हमने। तो चाचू और घर चले गए और हमने प्लान बनाया था कि हम जाएंगे पीढ़ी, तो पीढ़ी में भी कैंपिंग करनी है हमने। पीढ़ी का जो पार्ट होगा ना वो हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।